वक्त हम मना रहे हैं 147वां योम विलादत कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह बाबा कौम का, और हमारे साथ हैं शेख इकबाल यूसुफ साहब, एक बहुत जानी पहचानी शख्सियत। एक छोटा सा ब्रेक है और उसके साथ ही हम लेते हैं एक नगमा जो हमें पेश करने में हमारे साथ ताउन किया है। मैं तारुफ भी करा दूँ कि सल्तनत ओमान में है बहुत ही मारूफ शख्सियत, यहाँ के मारूफ गायक हैं, ओमानी हैं, लेकिन उनकी पाकिस्तान से और बिलखसूस कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह से एक अकीदत है, और उन्होंने ये गीत जो है वो डेडिकेट किया है, ट्रिब्यूट दिया है कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह को। हम सब पाकिस्तानियों के लिए बड़े फख्र की बात, मोहम्मद रफी उनका नाम, और उनका गीत हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आजम तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान, ऐ कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। हर सिमट मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में तिशाई, ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नारे तकबीर से दी तूने गवाही, इस्लाम का झंडा लिए आया सर मैदान, ऐ कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है एहसान। एक दफा फिर आप सबको देखने और सुनने वालों को अज़रा अलीम का आदाब। 147वां योम विलादत मनाया जा रहा है बाबा कौम हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह का, और आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में वो खूबसूरत गीत जो सल्तनत ओमान में बहुत ही माया नाज यहाँ सिंगर हैं, ओमानी हैं, और पाकिस्तान से और बिलखसूस कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह से उनकी अकीदत का इजहार उन्होंने किया। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम के लिए बिलखसूस ये रिकॉर्ड करके हमें भेजा।